लैंग्वेज डिवेलमेंट इन फिनलैंड डियर स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल uh, में आपसे फिनलैंड में लैंग्वेज डिवेलपमेंट uh, के बारे में बात करनी है कहा जाता है कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है सो बायोलिंगजम इन फिनलैंड फिनलैंड में भी बायलिंगजम है ऑफिशियल लैंग्वेज फिनिश एंड स्वीडिश सो फिनिश इज़ द मेजार्टी लैंग्वेज वाइल स्वीडिश इज़ स्पोकन इन कोस्टल एरिया जो साहिली इलाके हैं वहाँ ये स्वीडिश लैंग्वेज बोली जाती है और इंडिपेंडेंट रीजनज़ ऑफ जो उसके अलाइज हैं या साथ और अपॉरचुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न बोथ फिनिश एंड स्वीडिश तो फिनिश फिनलैंड की लैंग्वेज और स्वीडिश लैंग्वेज दोनों को सिखाने के मौक़े वहाँ फराम किए गए हैं और बायोलिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल वे स्टूडेंट रिसीव इंस्ट्रक्शन इन बोथ लैंग्वेजेस जहाँ बच्चे दोनों जबानों में एजुकेशन हासिल करते हैं ये आपके सामने एक तस्वीर है जो ये रिसर्च है 2018 की फिनलैंड लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है उसमें बताया गया है। जो फिनलैंड की जो फिनिश लैंग्वेज है वो 87.9 परसेंट लोग बोलते हैं और बाकी जी जो परसेंटेज है स्वीडिश रशियन एस्टोनियन और इस तरह ये दूसरी लैंग्वेज जो बोलते हैं लोग उनका ये सारा इसमें डाटा दिया गया है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्ड लैंग अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए फिनिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज फॉर मोस्ट चिल्ड्रन जो जो फिनलैंड की लैंग्वेज है लोग उनकी नेशनल लैंग्वेज है वो सब के लिए उनकी बुनियादी ज़ुबान है लाजमी ज़ुबान है और बाकी जो स्वीडिश बोलने वाले वो माइनारिटी में है तो वो स्वीडिश वो जो मैंने अभी बताया कि कोस्टल इलाक़ों में या एलाइज जो हैं वहाँ मतलब वो यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट एरियाज में ये स्वीडिश बोली जाती है लैंग्वेज माइल स्टोन एंड एजुकेशन इन फिनिश स्पीकिंग चिल्ड्रन लाइक बैबलिंग ये वही सेम हैं स्टेडिज हैं जो लैंग्वेज डिवेलपमेंट की है तो वो बैबलिंग जो गू गच्चा गुँ करता है यानी ये अभी सिर्फ साउंडस की स्टेज है फर्स्ट वर्ड्स सेंटेंस फॉर्मेशन ये दो साल की उम्र में जाके बच्चा शुरू करता है तो ये दुनिया भर में सेम ही पैटर्न है लैंग्वेज कोई भी हो उसमें इसी तरह बच्चा डिवेल्प करता है अपनी लैंग्वेज और फिर नेक्स्ट स्टेज है एक्सपेंडिंग वैकेबलरी तो उसके बाद जो नेक्स्ट थ्री वर्ड स्टेज है फिर आगे टू वर्ड स्टेज है तो थ्री वर्ड स्टेज है फिर जो जो बच्चे की एज बढ़ती है उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है तो वो अपनी वैकेबलरी भी डिवेल्प करता है और स्वीडिश लैंग्वेज एजुकेशन फिनलैंड की लैंग्वेज के साथ स्वीडिश लैंग्वेज में भी एजुकेशन फ्राहम की जाती है बायोलैंग एजुकेशन प्रोग्राम्स तो इंस्ट्रक्शन इन बोथ फिनिश एंड स्वीडिश फिनलैंड uh, में भी दो बाइलंगल uh, एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं जो फिनिश लैंग्वेज और स्वीडिश uh, लैंग्वेज में हैं बेनिफिट्स ऑफ बायलिंग प्रोग्राम्स तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं दो जुबानों वाले प्रोग्राम्स की इम्प्रूवड लैंग्वेज स्किल्स लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करते हैं कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करते हैं और एकेडमिक आउटकम्स बढ़ाते हैं कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग सी एल आई एल साइंस फॉर मैथ और मैथमेटिक्स इन फॉरेन लैंग्वेज तो साइंस और मैथमेटिक्स जो तो ये फॉरेन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज कौन सी है इंग्लिश है इंग्लिश इसलिए कि ये टेक्नोलॉजी की जुबान है दुनिया में रबते की जुबान है टू प्रमोट लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉन्टेंट नॉलेज तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉन्टेंट नॉलेज को प्रमोट करना लैंग्वेज सपोर्ट एंड रिसोर्स फिनलैंड में भी स्टूडेंट्स uh, को सपोर्ट सर्विसेज फ्राहम की जाती हैं हु नीड एडिशनल लैंग्वेज सपोर्ट जिनको लैंग्वेज के लिए एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है लाइक फिनिश एज आ सेकेंड लैंग्वेज टीचर्स वो टीचर्स फ्राहम किए जाते हैं स्पीच लैंग्वेज पथोलॉजिस्ट एंड मल्टी कल्चरल रिसोर्स सेंटर्स तो मल्टी कल्चर रिसोर्स सेंटर्स भी वहाँ फ्राम किए जाते हैं अवेलेबलिटी ऑफ लैंग्वेज रिसोर्स बुक्स लर्निंग मटीरियल तो लर्निंग मटीरियल्स और बुक्स जो लैंग्वेज डेवलप करें वो भी फ्राहम की जाती हैं एंड बोथ फिनिश

की लैंग्वेज की महारत को असेस करने के लिए इनकलूजिंग टेस्ट एंड प्रोफिशंसी स्केल्स प्रोफिशन स्केल्स फॉर फिनिश एंड स्वीडिश स्टूडेंट्स इंडिविजुअलाइज्ड लैंग्वेज सपोर्ट इनफरादी तौर पर सपोर्ट बेस फॉर यूनिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एन्शोर देयर लैंग्वेज डिवेलपमेंट प्रोग्रेस इफेक्टिवली तो वह उनकी लैंग्वेज डिवलपमेंट को इफेक्टिवलीश्योर करते हैं कल्चरल कंसर्नस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट किसी भी लैंग्वेज की डिवेल्पमेंट में कल्चरल जो कंसड्रेशन हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कल्चरल फैक्टर्स ट्रेडिशनस नॉर्मस अफेक्ट लैंग्वेज यूज़ डिवेलमेंट इन फिनलैंड तो फिनलैंड में भी ये लैंग्वेज डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं वैल्यूंग द कल्चरल आइडेंटिटीज़ तो कल्चरल आइडेंटीज़ को वैल्यू देना उनके को स्पेस देना उनकी रिस्पेक्ट करना और डायवर्स स्टूडेंट्स जो हों उनको चूज क्योंकि वो अपने कल्चर और लैंग्वेज साथ लेके जाते हैं और कल्चरल रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव प्रैक्टिस तो कल्चरल को फोकस करते हुए रिस्पॉन्सिव प्रैक्टिस का को इंश्योर किया जाता है फिनिश स्कूलों में और लैंग्वेज डेवलपमेंट सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फ्राम डाइवर्स कल्चर्स तो जो डाइवर्स कल्चर से स्टूडेंट्स आए होते हैं उनको लैंग्वेज uh, के लिए सपोर्ट्स फराम की जाती है लैंग्वेज सीखने के लिए तो ये थी फिन फिनलैंड में लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसकी मैंने आपको तफसील से आपके सामने रखा